भाई यहाँ पर हो चुका है एक्सीडेंट भाई। भाई मेरे पीछे वाला नहीं फोन आ रहा है और जैसे मैं और मारूँ भाई टाइम से मैं टीम आ रहा है देखना। तो दोस्तों ये रहा इस रोड का सबसे ज़्यादा ख़राब पार्ट। मैं यहाँ होकर जाता हूँ फिलहाल। आजकल यहाँ पर भाई काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह है दोस्तों। वहाँ देखो मोर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वैसे कैसे हो आप? तो भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो भाई पिछले कल हमने जो अपने बाइक में भाई वो पेंट कर दिया था और फिलहाल दोस्तों आज का प्लान बन रहा है भाई लुधियाना जाने का, क्योंकि दोस्तों आज संडे है तो सोचा भाई टाइम से निकल जाते हैं क्योंकि भाई कल वैसे भी कॉलेज है। उससे पहले जाएंगे दोस्तों हम वहीं पर जहाँ पर हमने पेंट किया था, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत टायर्स में भाई अपने पेंट लगा था तो भाई वो मिटाना था। तो चलो एक बार आपको थोड़ा बहुत बाइक का ओवरऑल लुक दिखा देते। दोस्तों ये है अपनी बाइक जो दोस्तों हमने पिछले कल पेंट की थी। तो फिलहाल दोस्तों यही कुछ ओवरऑल लुक है इस बाइक का। फिलहाल आप देख सकते हो पिछले टायर में हमने किया है भाई गोल्डन ब्लू और डिस्क में है भाई रेड, और अपने जो भाई साइलेंसर कवर है इसमें भी भाई हमने गोल्डन किया है। देन बात करते हैं फ्रंट की, तो भाई आप फ्रंट में देख सकते हो हमने अपनी हेडलाइट भाई ये भी गोल्डन की है, और टैंक वाले पैड्स जो है साइड के ये भी भाई गोल्डन किए, और भाई जो अपना नंबर प्लेट वाला फ्रेम है इसे हमने किया है भाई ब्लू में। और बात करते हैं दोस्तों फ्रंट टायर के बारे में, फिलहाल यहाँ पर घास आ रहा है तो फ्रंट टायर में भाई हमने डिस्क में किया है रेड और अपने स्पोक्स में किया है भाई गोल्डन सेम जैसे भाई पीछे, और नीचे देखिए भाई ब्लू, थोड़ा बहुत दोस्तों ये डार्केश ब्लू है। तो चलते दोस्तों टाइमली, इसमें जो भाई एक्स्ट्रा पेंट यहाँ पर लगा हुआ है तो इसे निकालने भी हम जाएंगे, देन उसके बाद निकलते हैं लुधियाना की ओर। तो चलो यार दोस्तों चलिए चलते हैं, करते हैं इसका काम आज ख़त्म पेंटिंग वाला, निकलते हैं टाइमली भाई लुधियाना की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं, देन भाई अपना जो पेंटिंग वाला काम है वो ख़त्म करके आते। भाई मेरे पीछे वाला नहीं फोन आ रहा है और जैसे मैं और मारूँ भाई टाइम से मैं टी मार रहा है देखना। कौन मस्ती कर रहा है भाई सुबह सुबह। ओके तो चलो भाई, मैं भी सोचूं भाई सुबह सुबह कौन मस्ती कर रहा है भाई अपने साथ। तो एक बार कैमरा ऑन कर लूँ। चलो भाई बस स्टैंड पहुँचने वाले, डायरेक्ट मिलते हैं भाई आपसे पेंटर अंकल की शॉप में। तो चलो ये भी यहाँ से एक आवाज़ आई है भाई काफ़ी ज़ोर की, लगता है किसी ने भाई कुछ बजा दिया है। तो चलो एक बार देखते हैं। तो भाई यहाँ पर हो चुका है छोटा मोटा एक्सीडेंट। तो भाई वो देखो इसमें किया भाई ब्लैक पेंट, क्योंकि भाई लिखकर बच गया था तो उसे रिमूव नहीं कर सकते थे तो वही से सूखने देते, उसके बाद चलते लुधियाना। तो चलो भाई दोस्तों हमारा काम जो है भाई वो हो चुका है डन। तो भाई चलते फिलहाल अब जाके जो इसकी ओवरऑल फिनिशिंग काफ़ी प्यारी आई है। बाकी भाई फिलहाल अभी इसमें थोड़ी बहुत डस्ट लगी है, धुला इसको सबके नहीं तो भाई धुलाएंगे इसको लगभग 2-3 दिन बाद ट्यूजडे तक। तो भाई चलते फिलहाल 1 बजने को है, थोड़ा बहुत देर से चलेंगे भाई लुधियाना की ओर। चलो चलते फिलहाल सबसे पहले रूम। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने रूम, देन भाई अभी बाइक को लगाते धूप में और थोड़ी देर बाद निकलेंगे भाई लुधियाना की ओर।
फिलहाल बाइक को थोड़ा बहुत सूखने देते हैं, दूध भाई रेस्ट करके आराम से चलेंगे। कि भाई हमने ज्यादा कुछ करना नहीं है लुधियाना में, इसके लिए सामान ही लाना है, बाकी तो सब सही है। फिलहाल भाई जो अब जाकर फिनिशिंग आ रही है उतनी प्यारी है। अब जाके भाई ये कलर काफी अच्छा लग रहा, नहीं तो पहले भाई अपने जो है टैर तक भाई पेंट हुआ था ब्लू कलर, फिलहाल अब जाके सही। चलो भाई इसको वॉश करेंगे जब भाई उस टाइम आपको उसके सिनेमेटिक्स दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो भाई बाइक पूरी गंदी है। तो चलो फाइनली दोस्तों अब हम जा रहे हैं लुधियाना की ओर, और टाइम हो चुका है 1:40 भाई। लंच वंच हमने कर दिया है, अब जाके हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं फाइनली, हमने जाना है दोस्तों मोटो एक्स ट्रेंड शॉप है भाई एक लुधियाना में। तो दोस्तों चलते हैं टाइमली, टाइम भाई अपने पार्ट्स वगैरह परचेज करते हैं, उसके बाद टाइम से रूम आते हैं। दोस्तों यहाँ देखो कितना प्यारा ट्रैक्टर है। चलो अभी हम काफ़ी दूर है अपने मंजिल से, इसमें कुछ अच्छा आपको दिखाने के लिए मिले तो भाई हम ज़रूर दिखाएंगे। तो चलो फिलहाल भाई मैंने एक काफ़ी टाइम पहले भाई ये दिखाया था एरोप्लेन, आप देख सकते हो घर के ऊपर कितना प्यारा एरोप्लेन बना है। चलो यहाँ आगे से हमने लेना है लेफ्ट टर्न, अभी हम चले हम हेलो ये छोटे छोटे पप्पीज है। तो दोस्तों लुधियाना वाले शॉर्टकट में सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट जो है मेरा भाई यही है, क्योंकि भाई जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर गया था तो उस टाइम से भाई मैं जब भी यहाँ पर जाता हूँ देन भाई मैं यहाँ होकर जाता हूँ। फिलहाल आजकल यहाँ पर भाई काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह है। तो दोस्तों ये रहा इस रोड का सबसे ज़्यादा ख़राब पार्ट, तो भाई इस रोड में इतनी ज़्यादा मिट्टी उठती है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल है तो दोस्तों ये शॉर्टकट पार्ट टूल देखिए दोस्तों, वहाँ देखो मोर, और ये देखो दूर, तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर होती है, बट भाई वहाँ पर है मोर, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, दूर है थोड़ा बहुत बट है। फिलहाल एक बार भाई दूर से देखो कितना बुरा हो गया है, और हमने ताज़ी कल बाइक पेंट की है, और ये कुछ हमारे कपड़े भाई। तो दोस्तों फिलहाल आज हम एक शॉर्टकट से आए भाई जिसका मुझे वैसे पता ही नहीं था, और ऐसे ऐसे रास्ते से आए भाई जो मैंने पहली बार देखा, काफ़ी ही ज़्यादा उठपटांग सा और काफ़ी कच्चा रोड था। तो बस फिलहाल 6 किलोमीटर का रास्ता अपना रहता है और देन पहुँच जाएंगे भाई हम मोटो एक्सटेंड, देन देखते भाई हम क्या क्या पार्ट्स परचेज़ करने वाले। तो टाइम नहीं भाई पार्ट से थी, क्योंकि भाई आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो टाइम से रूम पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल बाइक की कंडीशन देखो भाई कैसी हो गई है धूल से, और भाई हमारी भी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। तो भाई फिलहाल हम पहुंच ही गए मोटो एक्सटेंड, तो ये देखिए। चलो भाई फाइनल दोस्तों टाइम हो चुका है 4:41, और अब जाके भाई हम यहाँ से फ्री हुए, और एक खास बात कि भाई हमारा जो एक भी सामान है वो यहाँ पर नहीं मिला, सिर्फ भाई इसको छोड़ के। तो यार फिलहाल यही कुछ बात है, इतना टाइम इन्होंने लगा लिया क्योंकि भाई यहाँ पे रश ही काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल अब चलते हैं अपने रूम की, और फिलहाल जो सामान है भाई जो जिसके लिए हम आए थे वो तो हमें लेना होगा भाई चंडीगढ़ से इस बार मेरे ख्याल से, तो ऐसा करते भाई चलते रूम की ओर वापस। दोस्तों एक बार फिर से हम आगे भाई उसी रोड में जो कि है भाई खटारा नंबर 1, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, और भाई आगे का व्यू भी तो कितनी याद हो गए धीरे धीरे भाई खत्म हो गए। दोस्तों अब जाकर हम इस रोड से बाहर निकल गए जो कि भाई ये ज़्यादा ख़राब रोड था, और एक बार मैं आपको अपनी हालत दिखाऊँ और भाई आगे जाकर ज़्यादा बहुत कुछ कर वो। तो भाई यहाँ पर पहले रुकते हैं पेन आपको दिखाते हैं भाई। तो फिलहाल देखो भाई अपने हाथ दूर से भाई बुरा हाल हो चुका है कपड़ों का भी और शूज़, और बाइक का हाल देखो भाई ये कुछ हाल है अपने बाइक का। तो भाई काफ़ी ज़्यादा दूर उठती है इस रोड में, अपने मैक जो है भाई वो बिल्कुल ही दूर से फुल हो चुके हैं, और भाई ये पता नहीं क्या है। तो चलो भाई फिलहाल थोड़ा बहुत रह चुका अपना डिस्टेंस, फैमिली चलते हैं। वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद जय भारत।